गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों की हमारी क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों आप लोगों को 67 अनुच्छेद बताएंगे जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें बच्चों कि हम 1 से लेकर 66 तक आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ा चुके हैं। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट होता है यूट्यूब में, उसको जाके चैनल में उससे निकाल कर पोलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट उससे देखिए आप लोग। चलिए बच्चों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लें कि अगर आप उपराष्ट्रपति जी का पद ग्रहण कर लिए तो आपको कार्य करने का कितना समय मिलता है, उस पद पे 5 वर्ष का ही मिलता है। राष्ट्रपति जी का भी 5 वर्ष मिलता है, लोकसभा का भी 5 वर्ष मिलता है, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष मिलता है, उपराष्ट्रपति जी को अपने पद पर भी कार्य करने का कितना वर्ष मिलता है, 5 वर्ष। एक राज्यसभा का ही सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए कार्यकाल पर बैठते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद कहता है बच्चों बी कि 5 वर्ष से पूर्व भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी को पद त्याग पत्र दे सकता है। इसका कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप उपराष्ट्रपति जी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ 5 वर्ष से पहले, तो आप अपना त्याग पत्र किसको दीजिएगा, राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी को अगर 5 वर्ष पहले कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो किसको देते हैं बच्चों, वो उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। ऐसे ये त्याग पत्र वाले वीडियो क्लास ले चुके हैं बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए ताकि आपको एक एक वीडियो में सारी बातें आप लोगों को याद हो जाए बच्चों। आगे देखिए बच्चों, कहता है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित करने लोकसभा के सहमति से पद मुक्त किया जा सकता है। मतलब कहा जाता है कि जैसे कि राष्ट्रपति जी को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले सूचना देकर समस्त सदस्य, जो राज्यसभा का जितना भी समस्त सदस्य है, उसके सहमति से संकल्प पारित करने के बाद उसको पद से मुक्त कर दिया जाता है, यानी पद से हटा दिया जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि राष्ट्रपति जी को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। और उपराष्ट्रपति जी को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों के सहमति के द्वारा, एक संकल्प पारित करने के बाद उपराष्ट्रपति जी को अपने पद से हटा दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को याद करके रखना है। उसके बाद चलिए बच्चों आपको हम बताते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर मान लीजिए आपको 5 वर्ष पहले आपकी मृत्यु होगी, आप त्याग पत्र दे दिए या आपको हटा दिया जाता है, तो आपको तो उसी पद पे नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति जी को बैठाया जाता है जो 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, उसका भी 5 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। ये अनुच्छेद 68 कहता है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद तब तक के लिए वेट कीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।